आदरणीय सभापति महोदय, हमारे समिति के शिक्षा प्रेमी श्री सुदीप साहा जी और हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स और माय डियर स्टूडेंट्स, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ ढेर सारी शुभकामनाएं भी। जैसा कि बहुत से वक्ताओं ने संविधान के बारे में विस्तार से बताया है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। और एनसीसी के कैडेट भी बहुत देर से सुबह से आए हुए हैं और बहुत उनकी जो उन्होंने अपना जो परिश्रम और साहस को दिखाया है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी तक खड़े हैं। घंटों से प्रोग्राम चल रहा है। आज 26 जनवरी है। आज समूचा देश 69वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। छब्बीस जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। इसके तहत हमारा देश गणतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक और सार्वभौम राष्ट्र बन गया। जब हम रामायण की बात कहते हैं तो वाल्मीकि का नाम अपने आप आ जाता है। जब रामचरितमानस की बात करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास का नाम ऐसे दिखाई देता है। और जब गीतांजलि की बात करते हैं तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम अपने आप आ जाता है। उसी तरह भारतीय संविधान का जब नाम लिया जाता है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का छवि साफ दिखाई देने लगता है। हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समता, अखंडता की भावना छिपी हुई है। यानी ये सारी चीजें समानता के लिए संविधान बनाया गया है। इसमें किसी प्रकार की भेदभाव नहीं रखा गया है। कानून के समक्ष स्त्री पुरुष सभी बराबर हैं, इसलिए इस पर कोई चर्चा करना ठीक नहीं है। अभी देश में चारों तरफ ममता दीदी का और मोदी जी की चर्चा हो रही है। ममता दीदी भी साधारण परिवार से आती है, मोदी जी भी साधारण परिवार से आते हैं। ममता दीदी छात्र परिषद करके राजनेत्री बन गई, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गई और मोदी जी चाय की बात चर्चा हुई थी, वो अपने खुद स्वीकार करते हैं कि हम चाय ने चाय बेची है। उन्होंने नेताओं का रिजर्वेशन भी करवाया है। लेकिन यह संविधान ही है कि एक साधारण घर की महिला आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई है और साधारण घर का लड़का मोदी आज देश का प्रधानमंत्री बन गया है। अगर यह संविधान नहीं होता तो यह संभव नहीं होता। इसीलिए हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है, सभी को अधिकार है। आज आप पढ़ाई लिखाई ठीक से कीजिएगा, आप में प्रतिभा होगी, संवैधानिक कोई भी पद आपको मिल सकता है। हमारे प्यारे बच्चों, ये आपकी क्षमता के ऊपर है, प्रतिभा के ऊपर है। कृषि के क्षेत्र में हमारी तीन दुनी रात चौगुनी उन्नति हुई है। पहले हमारे 1978 में जब लड़ाई हुई थी तो यहां खाद की कमी थी। हम लोग विदेशों से आयात करते थे, रसिया से मक्का आता था, बड़ा बड़ा मक्का, उसी का हम लोग बनाकर भात वगैरह खाते थे, बाजरा आता था। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी अपने देश में हरित क्रांति का रिवोल्यूशन चलाया और उसमें हमें सफलता मिली और हमारा देश आज जो है खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। और इतना अनाज पैदा हो रहा है, कि इसके रख रखाव में समस्या हो रही है। इसलिए भारत सरकार ने पूरे भारत में जितने सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उनको मिड डे मील की व्यवस्था कर दिया।
खाइए, आप लोग पढ़िए, ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो किसान अनाज इतना पैदा कर रहा है उसकी समस्या को देखने की जरूरत है। हमारे हिंदी के किसी विद्वान ने कहा कि भारत के किसान जो है गरीबी में पैदा होते हैं, गरीबी में मर जाते हैं, कर्ज में पैदा होते हैं, कर्ज में मर जाते हैं। ब्रिटिश भारत के किसान क्या करते थे, कहते थे कि अब किसानी हमारी खत्म हो जाएगी तो हम मजदूरी कर लेंगे। मुंशी प्रेमचंद की पूछ की रात आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले हम लोग का सिलेबस में था। हल को क्या है, उसके खेत बर्बाद हो गए, इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ी, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। उसने मन में सोचा कि जाने दीजिए, खेत जो है नील गाय खा लेगी तो क्या होगा, हमारी किसानी खत्म हो जाएगी, लेकिन हम मजदूरी करके खा लेंगे। लेकिन आज आजाद भारत के किसान स्वाभिमानी है, कर्ज में डूब जाते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। आज भारत में आत्महत्या हो रही है किसानों की, कर रहे हैं कर्ज में डूब कर, वो अपने स्वाभिमान के लिए क्या है आत्महत्या कर रहे हैं। ये समस्या कब मिटेगी, मैं सरकारों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि किसानों की समस्या कब मिटेगी, भारत के कब किसान जो है सुसाइड करना छोड़ देंगे। ये बहुत बड़ी एक समस्या है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। उद्योग के क्षेत्र में जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम अपने देश में दोनों व्यवस्था लागू करेंगे, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र में क्या हुआ, सरकारी क्षेत्र में जो है प्रगति नहीं हो पाई। एक हम लोग पढ़ते थे कि तू चल मैं आता हूं, ठंडा पानी पीता हूं, हरी डाल में बैठा हूं। सरकारी क्षेत्र में कौवे को मिला भाग कि भाई ये जो कौवे वाले हैं, कौवे जो है सरकारी का काम देखेंगे, और गिलहरी को मिल गया प्राइवेट सेक्टर। कौवा का वही हाल था, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, और नतीजा क्या है, सरकारी जो है घाटे में चलने लगी, संस्थाएं यूनिटेड घाटे में चलने लगी, और सरकारी क्षेत्र में जो है जो प्रगति होनी चाहिए नहीं हुई, और प्राइवेट सेक्टर में दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति हुई। तो भाई सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगी जब हम अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे, सरकारी संस्थाएं ठीक से नहीं चलेंगी तो क्या होगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी मेरे दोस्तों, क्योंकि इसके जिम्मेवार हम हैं। क्योंकि हमको सरकारी संस्थाओं को चलाने में हम क्या करते हैं, अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, इसलिए सरकारी संस्थाएं धीरे धीरे घाटे में चल रही है और बंद हो जा रही है, और प्राइवेट सेक्टर दिन दुनी रात चौक। सरकारी क्षेत्र में लोग गए काम नहीं करना चाहते हैं, अब पैसा पाना चाहते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में काम ज्यादा होता है और तनख्वाह कम होता है। मेरे दोस्तों, ये हमारा देश है, हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो हमारी सरकारी सेक्टर भी प्रगति करेगा, ये सोचने की जरूरत है हमें। क्यों पब्लिक सेक्टर जो है घाटे में चल रहा है, और क्यों जो है प्राइवेट निजी जो क्षेत्र है जो तीन दूरी रात चौगुनी बढ़ रही है। मैं ज्यादा दीर्घायु नहीं करूंगा क्योंकि लड़के खड़े हैं। एजुकेशन का क्षेत्र में देख रहा हूं, एजुकेशन के क्षेत्र में वुड डिस्पैच आया था, लॉर्ड मैकाले का था, उनकी पॉलिसी थी। आज भारत में एक ही चीज की मैं देख रहा हूं, एजुकेशन का कोई क्या मतलब है, मीडियम क्या है, उर्दू मीडियम, बंगला मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सभी लोग जिनकी आर्थिक प्रगति ठीक है, ठीक काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूलों में भेज रहे हैं। जो गरीब तबके के हैं वो हिंदी मीडियम, बंगला मीडियम, उर्दू मीडियम और मराठी मीडियम, कितने गुजराती मीडियम में भेज रहे हैं।
दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं सरकारों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना लाखों करोड़ों हमारे हिंदी मीडियम में उर्दू मीडियम में खर्च कर रहे हैं, अरे जो मातृभाषा है उसमें आप 200 का 300 का विषय बना दो, हमारा स्कूल हिंदी मीडियम है इसमें 300 का हिंदी लगा दो, बाकी इंग्लिश मीडियम में कर दो, सारे बच्चे जो असमानता पूरे भारतवर्ष में दिख रही है वो समाप्त हो जाएगी। सरकार तो पैसा दे रही है, हम मातृभाषा सीखेंगे, बंगला भाषा रहेगा 300 का, बाकी सब जो है इंग्लिश मीडियम कर दीजिए, सारे भारत की जो असमानता है वो मिट जाएगी, ये भेद है वो मिट जाएगा। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, गलत व्यू है। इसलिए अज्ञानता ही डर का कारण होता है। आज जितने भी प्रशासनिक क्षेत्र है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधान पालिका है, देश के पूंजीपति वर्ग है, फिल्म जगत है, सारा चीज जो है उनके पास सन्निहित हो गया है, उनका एक वर्ग बन गया है। और उनका वर्ग को हम लोग तभी तोड़ सकते हैं जब हमारे पास ज्ञान हो, इंग्लिश का ज्ञान हो, अंग्रेजी का ज्ञान हो, उनसे हम आंखों से आंख मिलाकर बात कर सकते हैं, हम अंधकार में नहीं रहेंगे। और लास्ट में यह कहना चाहता हूं कि देश के जो सैनिक है, जो सीमा पर अपने आए दिन जो है 4-5 जवान जो है शहीद हमारे देश पर हो रहे, देश के सीमा पर शहादत दे रहे हैं, उनके लिए हमें सोचना होगा। वो गरीब परिवार से जाते हैं, सेना में भर्ती होते हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति चढ़ाते हैं। मैं ये देश की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो रशिया रूस ने अपने सैनिकों के कवच के रूप में उन्होंने ऐसा यूनिफॉर्म निकाला, ऐसा वो जैकेट निकाला है कि उसमें गोली का असर नहीं होगा, उसका 10 किलो वजन है, उसको पहले से गोली का कोई भी असर नहीं होगा। और अमेरिका भी अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए ड्रेस बना लिया है, उसमें गोली का कोई असर नहीं पड़ेगा, 9 किलो वजन है। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। शुरू करो, पूछ लो मैडम।